चुनावी मौसम अपने पूरे शोभा पर है और लोकसभा चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर सर्दी के मौसम का भी समापन हो गया है और बसंत ऋतु का आगाज हो गया है। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक पहाड़ी राज्य है और यहां का प्राकृतिक वातावरण, वादियां देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। बसंत ऋतु के मौसम में बाजारों में अनेकों प्रकार की सब्जियां उपलब्ध होती हैं। वहीं मंडी शहर के बाजारों में इन दिनों लोग प्राकृतिक सब्जियां खरीदना पसंद कर रहे हैं और ग्रामीण लोगों के लिए भी रोजी रोटी का एक साधन बन गया है। लोगों का कहना है कि यह सब्जियां खाने में काफी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और वे इनसे अचार और खाने के लिए सब्जी तैयार करते हैं। इसका अचार डालते हैं, चार गर्मियों में आता है, चार ये ठंडा रहता है, इसके लिए इसको लेते हैं। पैर आती है, इसमें गर्मियों में निकलती है पहाड़ों में, इसका अचार भी डालता है और सब्जी बनती है, यहाँ जंगली सब्जियाँ होती हैं। सेहत के लिए स्वाद भी, टेस्ट भी इसका अच्छा होता है और सेहत के लिए भी अच्छी होती है। वहीं ग्रामीण महिला का कहना है कि वे इन प्राकृतिक सब्जियों को जंगलों से चुनकर लाती हैं, जिसमें लिंगड़, पत्तेदार चने, कचनार, पुदीना, पुरांस जैसी सब्जियां होती हैं और वे इन सब्जियों को शहरों में लाकर लोगों को बेचती हैं ताकि वे मेहनत से अपने परिवार की रोजी रोटी चला सकें। ये अपनी लोकल है, लिंगड़ू है इसका नाम, जंगल की सब्जी होती है और मेहनत करके हम लाते इसको, एक 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 डाल तोड़ तोड़ के बनाते तब आते बाजार में। और एक चनार है, ये जंगल में होती है पेड़, इसके बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, इसको जंगल से लगा लेते हम। बाकी ये पुदीना ये घर से है, बाकी सारे ये चने इनके बल खेत से लाए, बहुत मेहनत करने पड़ते हैं हमारे को जी। गर्मी में हो जाती है तैयार, इस मौसम की है, ये भी मौसम की लोग बहुत यूज करते हैं इसको, बोलते हैं बिना खाद के, बिना भाई मैल लगता है इसमें, बस अपने आप उग जाती है सारी सब्जी, लोग बहुत खाते हैं इसको, पसंद बहुत करते हैं। बसंत के मौसम में मंडी शहर के लोग प्राकृतिक सब्जियां खरीदना पसंद कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि यह सब्जियां प्राकृतिक आवेश में बिना खाद के तैयार होती हैं और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं और वहीं ग्रामीण लोगों के लिए भी थोड़े समय के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।